हाय फ्रेंड्स, बहुत दिन से ये बुक पढ़ने का मुझे बहुत ये बुक के लिए मैं बहुत ढूंढ रहा था. जस्ट 4 आवर्स वर्क ए वीक, मतलब हफ्ते में सिर्फ 4 घंटा काम करो और आप ये 9 to 5 जॉब से भाग जाओ, यू नो ये सब चीज़ है. बहुत बढ़िया है, ये बहुत बड़ा बिलियनियर वो लोग सब ये बुक पर बहुत रेकमेंड किए थे. मैं ये ढूंढ ढूंढ के मुझे फाइनली मिला, तो ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं. बुक का टेक्निक वगैरह बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें जैसे ही एक नॉट्स ऐसी निकाल के थोड़ा एक 2-3 पेज पढ़ा मैंने, उसमें सब कुछ शेयर करता हूँ. उसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो है आप लोगों ने अभी तक सुना रहेगा टू डू लिस्ट. ओके, मतलब क्या क्या करना चाहिए. लेकिन ये बुक में बताते हैं कि आपको नॉट टू डू लिस्ट लिखना चाहिए. मतलब आपको ऐसा लिस्ट बनाना चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा. देखो, ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी इसके अंदर चक्कर में मत जाना, मतलब फोकस ऑन पॉजिटिविटी ये सब चक्कर छोड़ो. लेकिन जब आप टू डू लिस्ट बना के वो कर नहीं पाते हो, तकलीफ होता है, तो फिर नॉट टू डू लिस्ट लिखो. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर है. मुझे कुछ इसमें पसंद आया और अच्छा लगा, और कुछ सीख मैं पहले करता था और मैंने कुछ नया भी सीखा है, सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, पहला चीज़ है कि डू नॉट आंसर योर कॉल्स. जब भी कॉल आता है, मतलब नहीं है कि जो भी कॉल आएगा उसको उठाने का. राइट, मैंने ऐसा मेरे नज़र में बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बहुत ही इमेच्योर है. इमेच्योर मतलब कॉल आता है उठाने का. राइट, ऐसा कभी होता नहीं है. मेरा फ़ोन हमेशा वाइब्रेशन में रहता है. राइट, कभी रिंग बजता ही नहीं है, क्योंकि कभी किधर कैसे होगा मुझे पता नहीं. सो ज़्यादातर कॉल्स मैं देखता हूँ, मैं जब भी टाइम लगा तभी कॉल लेता हूँ, फिर कॉल बैक करता हूँ, या फिर मेरे नज़र में रिंग बजा तो मैं निकालता हूँ. ठीक है, ये न हो गया. सेकेंड ये बोलते हैं कि विदाउट परिचय हुआ नंबर नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं. अगर आप कुछ काम में बिजी हुए तो नहीं तो चलेगा यार, फ़ोन आएगा तो उठाना चाहिए, उसकी मतलब नहीं है. अगर आप वो काम पे बिजी हो, आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हो, सब कुछ है, तो फ़ोन मत उठाना. ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग है. आप दूसरे को सरप्राइज दो, लेकिन आप सरप्राइज मत हो जाओ, वो बोलते हैं. राइट, क्योंकि पता नहीं किसका कॉल आएगा, क्या आ गया, ऐसा. तो ज़्यादातर मैं कभी ट्रेनिंग में होता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि सर आपको आपसे बात करना है, बात करना है. मैं बोला एक मिनट, क्योंकि मेरा YouTube में मेरा नंबर है, सब लोग मुझे जो भी उनका तकलीफ है, सोचना है, मुझे कॉल करते हैं. अच्छा, वो किसी ने अभी तक गाली विलिया नहीं दी फ़ोन करके, सब तारीफ़ करते हैं, बहुत पसंद करते हैं मुझे. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉल करके गाली देना है. राइट, वो नहीं है. ये सिंपल है कि मैं जब भी कॉल आता ना, मैं उनको बोलता हूँ सर आप एक काम करो, व्हाट्सअप में आपका जो क्वेरीज है वो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दो, और जब मैं देखूंगा उसका जवाब दे के मैं आपको रिकॉर्ड करूंगा. इसका मतलब ये नहीं कि आप जब कॉल करोगे मुझे और आप दोनों को फ्री होना है, ऐसा गारंटी ज़रूरी नहीं है. क्योंकि व्हाट्सएप में आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, मैं सुनूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा. ये बहुत ब्यूटीफुल तरीका है, जिसकी वजह से आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आप हटा सकते हो. राइट, ये बहुत बढ़िया एक चीज़ बताया उन्होंने. दूसरा बोलते हैं कि मॉर्निंग या रात को सोने से पहले या सुबह सुबह उठ के एक मेल लिखना, ये दोनों मत लिखना. क्योंकि वो लिखने पे समय में उसको लगेगा कि आप कुछ ऐसा नींद में हो गए, या रात को कुछ नींद में हो गए, सुबह ऐसा कुछ है. लेकिन ये बोलते हैं कि सुबह आपको फर्स्ट थिंग मेल नहीं लिखना चाहिए, ये एक बताते हैं. अलग लिस्ट जो जो नहीं करना चाहिए उसका एक लिस्ट, तो ये एक लिस्ट है. दूसरा एक लिस्ट है कि मुझे सब फोन करते हैं कि सर आपसे मिलने का है, एक मिनट, मैटर क्या है. ठीक है, जो भी फ़ोन करते हैं तो पहले मैटर पूछो, और मैटर डिसाइड करो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मीटिंग रखना. तो चलो मिलते हैं, चलो बैठते हैं, ऐसा सब नहीं. तो बहुत मतलब भी हो जाएगा, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो उनके बहुत कुछ अचीव करना है, शॉर्ट टाइम है, और सिर्फ वीक में 4 घंटा ही काम करना है, उनके लिए ये सब जरूरी है. तो मिलना तो पहले एजेंडा पूछो क्या चाहिए आपको, तभी उसके बाद. और ये बताते हैं कि कोई भी मीटिंग 30 मिनट्स के ऊपर होना नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसा. और दूसरा चीज़ होता है, मैं किसी का भी मीटिंग करने से पहले मैं पहले पूछता हूँ कि आपका क्वेरीज क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, मुझे पहले बता दो, ताकि मैं उसका प्रिपरेशन करके आऊँगा. ताकि उधर ही बैठ के सरप्राइज सुनो, फिर एक मीटिंग करो, तीसरा मीटिंग करो, वो सब जरूरत नहीं है. तो मीटिंग होने से पहले ये एजेंडा क्लियर करो, कौन सा मीटिंग है, क्या है. ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है. किसके लिए मीट कर रहे हो, 30 मिनट्स,
और मीटिंग होने से पहले उसके बारे में पूरा जानकारी लेना, प्रिपरेशन करके जाना, ताकि सामने बैठे बैठे उनके पास भी पूरा क्वेरीज है, आपके पास भी क्वेरीज है, खाली डिस्कशन करके होगा। पहली बार जाके वो खुलते हो, नई चीज़ बताते हो, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्ट में एक पॉइंट, मतलब दूसरा पॉइंट है, द पीपल जब भी मिलते हैं ना, दुनिया भर का कहानी, जब मैं जब उठी थी, फिर मैं ट्रेन पकड़ी, एक मिनट, फिर कॉलेज गई, ओके, मतलब ट्रेन में भी कुछ नहीं हुआ, जाने के टाइम में कुछ नहीं हुआ, कॉलेज जाने के टाइम में कुछ, फिर हुआ किधर? तो गेट टू दी पॉइंट, ठीक है। सो ऐसे आपके बहुत बहुत सारे लोग होंगे, दिखते में एकदम मस्त, ब्यूटीफुल, हैंडसम, चकास, इंटेलिजेंट, ऐसा होता होगा, देख के कुछ नहीं लगता, लेकिन जब मुंह खोलते ना, तभी मालूम पड़ेगा किसका लेवल किधर है, राइट। मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तक 22-23 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग कर चुका हूँ, देखा हूँ लोगों को, कभी कभी इतना भयानक, हैंडसम, ब्यूटीफुल, लेकिन बाद में लगता है कि उतना कुछ हमें नहीं। कोई लोग स्मार्ट दिखते हैं लेकिन उतना होता नहीं है, कोई एकदम बेकार दिखते हैं लेकिन चकास हो जाते हैं बाद में। सो ये सब कब होता है? जब वो मुंह खोलते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ये बहुत है। मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, विक्रांत, राइट। जब भी उनसे जब बात करते हैं ना, वो डायरेक्ट, ही इज़ वेरी वेरी श्रूट माई फ्रेंड, ही ऑलवेज टेल्स यू नो मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो ये पॉइंट्स में मुझे उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये गेटिंग टू द पॉइंट को वो हमेशा, क्योंकि वो इज़ वेरी वेरी श्रूड, यू नो, उसकी बात, कोई भी बात करेगा पॉइंट टू पॉइंट, कोई कहानी स्टार्ट करेगा फिर ऐसा, उस वो इरिटेट हो जाता है, बोलता है सिंपल पे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, भैया तो स्टोरी भी बता, फाइनली बता क्या कहना चाहता है, गेट टू द पॉइंट, ओके, ये वाला। एंड सेकेंड वो बोलते हैं कि ये मीटिंग में दो जन, गेट टू द पॉइंट, जी टी डी, ये दूसरा, गेट गेट टू डन, राइट, गेट थिंग्स डन, ये दूसरा पॉइंट है। तो सामने वो का ये खत्म होगा, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्लियर बताओ, है ना, उधर ही खत्म करो, या गेट टू द पॉइंट, ये सब करना है, ये सब आप कर पाओगे, यू नो, जी टी पी, गेट टू द पॉइंट, जी टी डी, गेट थिंग्स डन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका पूरा समय कम कर सकता है। एक फ्रैंकली बात बताऊं, मैं, मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस में करीब 15 कंपनी जो काम किया है, उसमें से मैं दिल से हाथ रख के बोलता हूं कि पूरा का 8 घंटा 8 घंटा कोई काम नहीं करता है, ठीक है, 4 घंटा अपना पर्सनल मेल, इधर मीटिंग उधर मीटिंग दिखाते हैं वो ऐसे ही, राइट। कुछ लोग ऐसा समय, नहीं 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 मैं तो पूरा 8 घंटा पसंद पसंद, भाई ही ठीक है, लेकिन कितना यूजफुल काम किए आपने, वो काम करने से पहले इतना एनालाइज किया, जितना एनालाइज इसमें बोलते हैं उतना एनालाइज किया क्या? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो पूरा 8 घंटा कभी काम नहीं किया, कभी कभी तो 2-4 घंटे के ऊपर मैंने काम नहीं किया, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 4 घंटा, इतना वेस्ट हो जाता समय। आप बिजी हो लेकिन क्या बिजी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। Yeah, that's a one, you know, it's a very beautiful one. So getting to the point, getting things done, that's very important one. उसके बाद ये बोलते हैं कि बार बार WhatsApp देखना, ये बुक लिखने टाइम WhatsApp था नहीं लगता है, क्योंकि ये कभी का लिखा हुआ बुक है, क्योंकि ये WhatsApp लिखा नहीं है, ये खाली मेल लिखे हैं इसमें, ठीक है, एनी वे 2007, ओके 11 भी है, कॉपीराइट 11, एनी वे, सो गेटिंग टू द पॉइंट, ईमेल बार बार चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, ये नहीं होना चाहिए, और जब भी ईमेल आता है उसके ऊपर एक ऑटो रिस्पॉन्डर होना चाहिए, बताते हैं कि हाँ थैंक यू फॉर राइटिंग योर मेल, आवर वी विल गेट बैक टू इन 2 डेज़ 1 डे 48 आवर्स जो भी है उसमें लिखे, कि उनको लगेगा जिसने लिखा उसको रिप्लाई भी किया और आप भी आराम से पढ़ के 24 घंटे में 48 आवर्स में आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग है, ओवर कम्युनिकेट, ब्ला 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 बातें करना, यू नो, और लो प्रॉफिट और हाई मेंटेनेंस, कस्टमर से दूर रहना, दोबारा बताता हूँ, जिससे आप बात करते हैं उनसे मुनाफा बहुत कम मिलेगा और पैसा कम और दिमाग खराब ज़्यादा, ये दोनों काम नहीं करना चाहिए बोलते हैं, राइट। इंटरेस्टिंगली 80-20 रूल्स आएगा जिसमें, और एक इंटरेस्टिंग बताते हैं कि यू नो सक्सेस होने का किसी के पास कंफर्म आइडिया नहीं है, क्या सक्सेस होने के बाद किसी को कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन फेलियर होने का कंफर्म आइडिया है। क्या मजेदार लिखा है इन्होंने, देखा, फेलियर होने का बहुत बढ़िया आइडिया है। तो उसमें से अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल यू नो मेरे पास ऐसा ऐसा क्लाइंट्स है जो मुझे 1.5 लाख रुपया
₹2 लाख जो भी है ना चार्जेस का मुझे पेमेंट है, मैं वीकली वंस या फ्यू आवर्स में मिलकर उनको कोचिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, दैट्स वन। कुछ लोग 4,000-5,000 में मुझे कॉल करके दुनिया भर का क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा हर बार कॉल आएगा है। बोला एक मिनट ठीक है। दोज आर माई हाई पेड वैल्यू क्लाइंट्स एंड आई स्पेंड फ्यू आवर्स राइट, वो ठीक है, या फिर 4,000-5,000 देके ये चार दिन में 4 बार कॉल करेगा ये ठीक है। सो मैं क्लियर बताता हूँ, आई कैन नॉट स्पेंड दिस मच ऑफ टाइम विद यू राइट। देखो मेरा फ्री फ्रेंड्स है, उनको तो मैं और समय देता हूँ, सिर्फ मैं पैसा से बात करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जब मेरा 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 काम यही है, मैं कोचिंग ट्रेनिंग यही है, तो मेरा दूसरा काम नहीं है। सो आई हैव टू फोकस ऑन द टाइमिंग एंड द अमाउंट आई एम गेट आई एम गेटिंग राइट। सो आप जो काम करते हो, जितना समय आप देते हो और कितना आउटपुट आता है, दिमाग करने वाला क्लाइंट और खाली 20% कमाई, और बात भी करते नहीं है, बिल्कुल सही काम करते हैं, इनसे 80% कमाई, आप किसको कंसिडर करोगे जो 80% आपको प्रॉफिट देता है उसके ऊपर, क्लियर है। तो ये चीज़ में बहुत ध्यान रखना, 80-20 रूल्स, ये दोनों से दूर रहना राइट। और आज हमेशा कंपनी का पॉलिसी चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए, कंपनी का पॉलिसी ये है ये है, इसमें रिटर्न होगा, इसमें ही होगा, इतना सर्विस होगा, इतना नहीं होगा, क्लियर बता दो, ताकि आपका दिमाग ख़राब नहीं करें और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा करेक्ट। सो आप कितना पैसा देते हो, कितना इनकम चाहिए, कितना आप सर्विस दे सकते हो, क्लियर बता दो उनको, ये क्या। दूसरा बोलते हैं कि आपको ईमेल, अगर नया रूल्स है ईमेल पहले बता दो, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया, ऐसा ऐसा है भैया, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो, दिमाग खराब मत करो, हमको इंक्रीज करना है, ये लो प्रॉफिट हाई मेंटेनेंस क्लेम में हम लोग चल नहीं पाएंगे। सो आपको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए राइट। और सेकंड बोलते हैं, एक आध दो दिन फोन सब छोड़ दो, फोन लेके मत घूमो, 24 आवर्स फोन चेकिंग, कॉल बैकिंग, ये बैकिंग। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, मेरे फ़ोन के बिना मेरा होता नहीं है, मेरा पूरा धंधा इसमें होता है। नहीं भैया, आपके बिना भी ज़िंदगी चलेगी, आपकी पहले भी ज़िंदगी चलता था, सब कुछ चलेगा। तो बोलते कुछ दिन आपको फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और सेकंड ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शेयर करता हूँ, एक हम लोग का सेशन एग्जीबिशन हुआ था पूना में, स्वारगेट में, वहाँ पे हम लोग ऐसे घूम रहे, एग्जीबिशन हुआ था, तभी हमेशा मेरा बॉस जो भी बोलता, हम लोग तुरंत ये उठा वो करो, ये उठा वो करो, हर चीज़ उनका नज़र में रहते थे, वो जो भी बोलता तुरंत हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। मेरा एक फ्रेंड मुझे मिलने आया पूना पे, फिर बोला सर ब्रेक, हम लोग थोड़ा एक एग्जीबिशन घूम के आते हैं। तो मैंने ऐसा घूम के आया, तो मेरा बॉस ने बोला, मेरा फ्रेंड ने बोला, नहीं बॉस अभी बुलाते होंगे टाइम, बोला एक मिनट, बॉस जो हर काम बोलता है, तू हर काम करता है ना, तो हमेशा हर काम तू करेगा ऐसा एक्सपेक्ट करेगा तेरे से। नोट द पॉइंट, अगर आप 24/7 काम करते हो ना, हर कोई आपसे 24/7 काम करोगे ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे वो। मेरा एक दोस्त है कोचिंग में राइट, वो जो भी काम है 8 बजे घर जाने से पहले बंद कर देते हैं, ऑफिस का कॉल, फ्रेंड्स कॉल, सब भी गेट के बाहर खड़ा रह के गाड़ी में सब कॉल खत्म करके बंद करके जाएगा, अंदर जाने के बाद कोई बिजनेस कॉल्स नहीं लेंगे राइट। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का व्यक्ति हो, कैसे करना चाहते हो, लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूँ, मैं 24/7 वाला हूँ। हाँ, लेकिन रिप्लाई मेरे तरह से करता हूँ, ऐसा मेरा घर पे ये नहीं करूँगा, बाहर वो नहीं करूँगा, ऐसा मेरा सिस्टम है ही नहीं है, मैं कभी था ही नहीं, आगे भी नहीं रहूँगा, आपको जो सूट होता है उसके ऊपर कर सकते हो ठीक है। दैट्स वन, ये फैंटास्टिक है, मतलब थोड़ा टाइम दे दो, और दूसरों के एक्सपेक्ट मत करने देना, इसका कॉल आएगा तुरंत। मेरे एक मैं एक कंपनी में काम किया था कोना इलेक्ट्रिकल्स राइट, वहाँ पे हमारे बॉस है, बॉस का जो बेटा है यंग चीफ यू नो मोहित उनका नाम है ना, उनको जब भी आप, मैं क्लाइंट के सामने बैठ के बोलता हूँ, मैं इनको अभी व्हाट्सअप करता हूँ, इनका रिप्लाई अभी आएगा राइट, रिप्लाई करता हूँ, रिप्लाई सेंड भी नहीं हो रहेगा, उनका रिप्लाई आएगा, और वो भी कितना बड़ा कमिटमेंट कि इनको इतना डिस्काउंट देना है, नहीं देना चाहिए, पेमेंट चाहिए, ये चाहिए, फटाफट फटाफट। सो स्मार्ट, सो श्रूट, सो ऑथेंटिक रिप्लाई राइट, उनका स्टाइल है ये। सो हर एक अलग अलग स्टाइल होगा, सो आपको अपना स्टाइल देगा ना एनी वे, बट आप, लेकिन यही है, वो बाहर जाते हैं 10-15 दिन के लिए, फ़ोन, मेल, बिल, ओनली मेल, बाकी सब बंद, ऐसा भी वो अपना समय निकालते हैं, दुबई जाते हैं, कहीं पर जाते हैं। सो यू शुड
डिसाइड योर टाइम फॉर अवे फ्रॉम एवरीथिंग्स, राइट, ये वाला. और सेकंड बोलते हैं कि रिलेशनशिप में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस वाले के साथ ही दोस्ती रख दो, ऐसा नहीं, आपको उसके बाहर वाला भी, उनके पास भी आपको दोस्ती रखना चाहिए. वो भी एक पॉइंट उन्होंने बताया. लास्ट एंड बस्ट नॉट लीस्ट ये बोलते हैं कि आपको कोई भी डिसाइड करने से तकलीफ होता है, काम करने से, टू डू लिस्ट बना के काम करने में तकलीफ होता है,